सो दोस्तों, वेलकम टू फैल्कन रेडर्स इंडिया। और आज का जो वीडियो है वो है मोटे तौर से कि मैं जब ट्रिप्स पे जाता हूँ तो मेरे जितनी भी स्टोरेज है, मेमोरीज हैं, डेटा है, वो सारा मैं कैसे स्टोर करता हूँ, कैसे इतनी सारी फाइल्स को कहाँ रखता हूँ, कैसे मैनेज करता हूँ। अगर आप जानना चाहते हो कि सही तरीके से कैसे उसको मैनेज करना है जिससे कि नेक्स्ट ट्रिप पे आपका बहुत फायदा हो सके, चाहे आप सिर्फ मोबाइल यूज करते हो या एक और कैमरा यूज करते हो या मल्टीपल कैमराज यूज कर सकते हो, चाहे आपका कुछ जीबी का डेटा होता है या बहुत सारे जीबी का डेटा होता है, सब कुछ के बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में। जुड़े रहिए। दोस्तों, अगर आप वैसे ट्रिप एंजॉय करते हो कि जहां पे आपको फोटोज वीडियो से कुछ लेना देना नहीं है, आप सिर्फ एंजॉय करते हो एंड यू हैव नो इंटरेस्ट इन दिस डिजिटल एज या फोटोज सोशल मीडिया, तो मेरे हिसाब से आप बहुत सुकून की जिंदगी जी रहे हो और मौज कर रहे हो। सो आपके मेरी तरफ से आपको बताने के लिए इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये कह सकता हूँ कि बढ़िया एकदम। और उसमें से फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, पर उनके पास क्या है कि अपना जो मोबाइल है, जैसे एक मोबाइल है वो ही काफी है। अब आजकल मोबाइल भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं जिसमें फोटोज वीडियोस बहुत अच्छी खिंच जाती है। अगर आप आईफोन जाओ, मतलब महंगी वाली रेंज में तो सब में बहुत अच्छा है, पर आजकल जो चाइनीज या 10-15 हज़ार वालों में भी कुछ कुछ ऐसे हैं जो दिन में बहुत अच्छी फोटोज और वीडियोज निकाल देते हैं। सो अगर आप बहुत लिमिटेड यूज करते हो तो मेरे को लगता है कि आप अपने फोन की जो मेमोरी, अगर आपकी वही फुल हो रही है तो आप उसमें बहुत से आते हैं जिसमें कार्ड लगा सकते हो, मेमोरी कार्ड, तो आपका काम उसी से ही चल जाएगा। एंड मुझे नहीं लगता कि आप कभी अपना फोन भी पूरा भर पाते होगे। कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप पिछले एक ट्रिप पे गए, उसमें कुछ फोटोज हैं जो ऑलरेडी उसमें है, फिर अगला ट्रिप गया उसमें जो फोटोज हैं वो भी खींची है, तब भी आपका फोन नहीं भरा, तो स्टिल आपकी लाइफ सॉर्टेड है। ज्यादा से ज्यादा आप 64 GB की जगह अगर आपको लग रहा है तो आप 128 GB का फोन ले लो या उसमें मेमोरी कार्ड बढ़ा लो, तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे कि पहले वाला केस है जहाँ पे कोई कुछ भी नहीं खींचता है, ठीक है। पर मेरे को पता है कि जब आपके हाथ में अच्छा फोटो कैमरा आ जाए मोबाइल में जिसमें आप अच्छी फोटोज वीडियोस खींच रहे हो और सोशल मीडिया देखते रहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को भी बनाना है, मेरे को भी वीडियोस बनाने हैं, मैं भी खींच लेता हूँ, बहुत सारी वीडियोस खींच लेता हूँ, बहुत सारे फोटोज खींच लेता हूँ, पर फोन में उतनी जगह नहीं है। तो इस वीडियो से जुड़े रहो, मैं धीरे धीरे आपको बताता हूँ कि आप कैसे हैंडल कर सकते हो। उसके बाद जो सिर्फ मोबाइल यूज करते हैं, उसके बाद कुछ लोग आ जाते हैं जो मोबाइल भी यूज करते हैं और साथ में उनके पास कोई एक कैमरा भी होता है, चाहे वो DSLR हो या पॉइंट टू शूट हो, कोई भी एक और एक्सटर्नल या एक और कैमरा है जो वो लेके जाते हैं फोटोग्राफी के लिए, तो उसमें वो मेमोरी कार्ड्स यूज करते हैं, तो उनके पास भी डेटा काफी हो जाता होगा, कुछ मल्टीपल कार्ड्स भी लेके जाते होंगे साथ में कि एक कार्ड भर गया तो दूसरा कार्ड ले लेते हैं। उसके बाद एक तीसरे यूजर्स होते हैं जिसमें से मैं अपने आप को भी गिनता हूँ, जिनको जो मोटो व्लॉग्स करते हैं या ब्लॉगिंग करते हैं या ट्रैवल वीडियोस या कुछ भी बनाते हैं जो सोशल मीडिया के लिए, और उनके पास मल्टीपल कैम्स होते हैं। कि जैसे मेरे पास एक्शन कैमरा, मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास 2 एक्शन कैमरा है, उसके बाद मेरे पास ड्रोन भी है, उसके बाद मेरे पास एक कैमरा भी है, मोबाइल भी है, 360 भी है, उसके बाद काफ़ी कुछ हो जाता है, काफ़ी मेमोरीज हो जाती हैं। और पहले क्या है कि लोग HD में शूट करते थे, Full HD में, आजकल लोग 2K में, हायर रेजोल्यूशन में और 4K में भी शूट करने लगे हैं, सो उससे भी क्या है मेमोरी और ज़्यादा यूज़ होने लगी है। सो ये जो केस हैं या पहले वाले जो इस दुनिया में आना चाहते हैं, उसको कैसे आप अपना डेटा हैंडल करोगे, उस पर टॉपिक पर आप बात करते हैं। अब जो आता है वो आता है मेमोरी कार्ड्स, डेटा, ये सबको कितने आप मेमोरी कार्ड्स लेके जाओ, कैसे स्टोर करो, कहाँ करो, कैसे सेफ रखें अपने डेटा। सो बेसिकली जो मेमोरी कार्ड्स आते हैं, मैं अपना एक कुशन का ऐसी एक पैकेट है, ये मैं अपने साथ रखता हूँ, इसके अंदर मेरे मेमोरी कार्ड्स होते हैं। सो ज़्यादातर जो मेमोरी कार्ड्स होते हैं उसमें आपके ये छोटे वाले जो कार्ड्स होते हैं MicroSD, आजकल यही लगते हैं, जो ये MicroSD कार्ड्स होते हैं, अरे ऐसे कभी गिरने से भी ख़राब हो सकता है। तो ये जो MicroSD कार्ड्स हैं, आप छोटे से देख सकते हो, ये कार्ड्स होते हैं। अब ये 32 GB का भी आता है, 64 GB का भी आता है, 128 का भी आता है, 256 का भी आता है, 512 का भी आता है और 1 TB का भी आता है, शायद ऊपर भी आते होंगे।
सो जब मैं फुल एचडी का शूट करता था तो ये मैं 64 GB के कार्ड्स यूज करता था, 64 GB वाले जो हैं। इस 64 GB वाले कार्ड्स में जब मैं फुल एचडी में शूट करता था तो मेरे को करीबन 2 घंटे का फुटेज मिल जाता था अप्रॉक्सीमेटली एक कार्ड में, 2 घंटे का। उसके बाद जब मैंने 2K में शूट करना स्टार्ट किया तो मेरे को 1 घंटा मिलने लगा इसमें, और अगर मैं यही 4K में शूट करूंगा 64 GB के कार्ड में सो मेरे को मिलेगा करीबन आधा घंटा, विच इज़ नॉट गुड कि हर आधे घंटे की फुटेज में मैं फिर वापस चेंज करता रहूँ। अगर मैं मोटो व्लॉग की दुनिया में कर रहा हूँ, अगर आप सिर्फ ट्रैवल के वीडियोस बना रहे हो तो आई थिंक आधे घंटा भी बहुत होता है, पर स्टिल ये पर्सन टू पर्सन है कि वो कितना शूट करना चाहता है। सो अगर आप ये एसडी कार्ड लेते हैं तो सेफ्टी की बात कर लूँ, अगर आप एसडी कार्ड रखते हैं तो इनको ध्यान से रखना बहुत ज़रूरी है। तो इन कार्ड्स को कभी भी आप ऐसे मत रखो, इनके साथ ये इनका एक तरीके से पापा आते हैं और आप ये इसके अंदर ऐसे ये फिट हो जाता है एक तरीके से, इसका एक कवर समझ लो, या इस कार्ड को बड़े वाले कार्ड में जो कार्ड होते हैं इनको कन्वर्टर आता है, ये अक्सर एसडी के कार्ड के साथ आता है, तो इसमें ही इसको रखें, ठीक है। उसके बाद कोई आप केस रख लो, बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें आप रख सकते हो। मेरे पास एक कुशन टाइप थोड़ा सा सॉफ्ट कुशन है, इसके अंदर मैं ये सारे कार्ड्स रखता हूँ। उसके बाद आप कितने कार्ड्स रखें ये तो कोई नहीं बता सकता, एक कार्ड रख लो, दो कार्ड रख लो, तीन कार्ड रख लो, पर हर टाइम एक चीज़ का एंड होगा कि आप कितने कार्ड रख लोगे। जब कार्ड एक बार आपके लिमिट क्रॉस हो जाए कि भैया मैंने 3-4 कार्ड ले लिए मेरे तो सारे भर जाते हैं, फिर आ जाता है कि उनको अब और कहाँ स्टोर करें ट्रिप पे। उसके बाद आ जाती है आपकी हार्ड डिस्क, कि आप जो सारा जो कार्ड का डेटा है वो आप ट्रिप पे अपनी हार्ड डिस्क पे स्टोर कर सकते हो। अगर आप पर हार्ड डिस्क के लिए आपको लैपटॉप साथ होगा, अगर लैपटॉप नहीं होगा तो आप हार्ड डिस्क कैसे एक्सेस करोगे, कार्ड कैसे एक्सेस करोगे, तो आपको एक लैपटॉप अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। अगर ले जाओ तो अच्छा, अगर नहीं ले जाओ तो आप दो चीज़ कर सकते हो, कि आपको कहीं बड़े शहर में जब आपको कहीं कहीं मिले होटल में या कहीं, तो आजकल किसी ना किसी के पास लैपटॉप होता है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर आप 2 मिनट मेरे को लैपटॉप दे दो, उसमें हार्ड डिस्क कनेक्ट करके आप अपने डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो अपनी हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क 3 टाइप की हैं जनरली, एक नॉर्मल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती है जो नॉर्मल आपको मिलती है, जो ब्लूटूथ वाली होती हैं, USB 3.0 वाली, नॉट ब्लूटूथ, USB वाली जो नॉर्मल हार्ड डिस्क होती हैं, ये आप ले सकते हो 1 TB की। आई थिंक ये आपकी आ जाएगी, मैंने लिखा था कहीं, हाँ 4,000 रुपये के करीब की आपको 1 TB की मिल जाएगी, तो ये अच्छा है, आप स्टोर कर लो। उसके बाद अगर आपके पास हार्ड लैपटॉप नहीं लेके जाना चाहते, जैसे कि मैं पहले के अपने ट्रिप्स में मैं लैपटॉप नहीं लेके जाता था, फिर भी मैं अपनी हार्ड डिस्क में बैकअप ले लेता था, तो मैंने एक दो बार, अगर आप मेरे व्लॉग्स देखोगे तो मैंने एक दो बार किसी से रिक्वेस्ट करके लैपटॉप करके ट्रांसफ़र करा था। पर उसके अलावा मेरे पास एक हार्ड डिस्क और है जो ये वाईफाई वाली हार्ड डिस्क आती है, ये वाला मॉडल अब बंद हो गया माय पासपोर्ट वाला, एक और वाईफाई वाली आती है, वो वीडियो के लिंक में मैं दे दूंगा। उसमें क्या होता है कि आपकी जो ये हार्ड डिस्क होती है ना, इसके अंदर बैटरी होती है, तो आप इसको जब ऑन करते हो तो ये आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाती है, और जब मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाती है तो आप इसके अंदर का जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब देख सकते हो अपने मोबाइल पे। उसके बाद इसमें एक छोटा सा पोर्ट होता है, ये पोर्ट जैसे आपने निकाला, इसके अंदर जो आपका मेमोरी कार्ड जो मैं आपको दिखा रहा था वो इसके अंदर लगा दो, और ये बटन होता है ये दबा दो, तो जो आपके कार्ड में इंफॉर्मेशन है वो हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगा। तो उसकी जो प्रोग्रेस है कि वो कितना स्टोर हो रहा है, कितना हो चुका, वो आप अपने मोबाइल पे देख सकते हो। इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो भी बनाया अपने चैनल पे, पुराना वीडियो है, पर इसकी भी लिमिटेशन है, इसकी बैटरी जब पुरानी हो जाती है तो उतना ज़्यादा बैकअप नहीं देता है, तो फिर आपको इसको पावर में लगा के रखना पड़ेगा, इसको पावर अप करके रखना पड़ेगा। और अब कार्ड्स पहले 64 GB थे, 128 GB, 256 GB बड़े कार्ड हैं, उनको एक्सेस इसमें करने के लिए और ज़्यादा टाइम लगेगा, और बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं होता था। सो स्टिल मेरे को लगता था कि अगर बहुत ही बुरे जगह कहीं फंस गए हो और कहीं पे लाइट नहीं है या आपको बैकअप चाहिए तो कभी कभी ये काम आ जाती थी, पर अब ये मॉडल आता नहीं है और ये इतनी फेमस भी नहीं है, इस वजह से इसके बहुत सारे मॉडल्स आपको नहीं मिलेंगे अब अमेज़ॉन पे, पर स्टिल एक दो मॉडल हैं, अगर आपको स्टिल इस टाइप की हार्ड डिस्क चाहिए तो आप ले सकते हो, उसके बारे में इंटरनेट पे पढ़ भी सकते हो। उसके बाद जो तीसरी हार्ड डिस्क है जो आजकल काफ़ी चल रही है वो है अपनी नॉर्मल SSD, एक छोटी सी हार्ड डिस्क होती है आजकल SSD, आपने सुना होगा, ये बहुत फास्ट होती हैं, जो आपकी नॉर्मल हार्ड डिस्क है, ये जो नॉर्मल हार्ड डिस्क है इससे काफ़ी फास्ट होती है जब इसमें से आप डेटा एक्सेस करते हो, ठीक है, और स्टोर करते हो, और जब एक्सेस करते हो तो काफ़ी फास्ट होती है, और आप साइज़ भी देख सकते हो, ये भी 1 TB की है,
मतलब एक टीबी की नहीं है 512 GB के, पर एक टीबी की ऑलमोस्ट यही साइज होगा, और ये 1 TB की है इतनी सी, ठीक है। पर वही वाली बात है, ये थोड़ी महंगी है, जितने में ये 1 TB आएगी उतने में आपकी वो वाली 2 TB आ जाएगी, ठीक है। पर दिस इज फास्ट स्मॉल कॉम्पैक्ट, आप अपने साथ रख सकते हो। सो ये हार्ड डिस्क हैं जहाँ पे आप अपनी मेमोरी कार्ड से सारा डेटा इनमें स्टोर कर सकते हो, अपने मोबाइल का भी डेटा अपने हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अपने साथ लैपटॉप लेके जा रहे हो तो लैपटॉप में भी एक लिमिटेड साइज ही होता है। तो मैं उन लोगों की बात करूँ जिनके पास बहुत सारा डेटा होता है, जैसे कि मैं, बहुत सारा डेटा हो जाता है, और अब जब से 2K में जैसे मैंने बताया तो और भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, अगर आप मल्टीपल कार्ड्स रखते हो ना, तो ये मेरे साथ हो चुका है एक बार, उन कार्ड्स पे ना नंबरिंग ज़रूर कर लेना, 1, 2, 3, 4, कभी कभी सारे जो मेमोरी कार्ड्स होते हैं ना वो एक जैसे ही लगते हैं, या आप एक ही कंपनी के लेते हो, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप मेमोरी कार्ड चेंज कर रहे होते हो ना, जब आपने निकाला रखा और दूसरा लगाया उसमें, तो कभी कभी क्या होता है कि मेरे साथ हुआ है कि आप भूल जाते हो कि कौन सा निकाला था कौन सा लगाया था, और कभी कभी वही लगा देते हो और उसको फॉर्मेट कर देते हो। सो बड़ा रिस्की है, तो आप अपने मेमोरी कार्ड्स पे नंबरिंग ज़रूर करके रखना, 1, 2, 3, 4, अगर आप मल्टीपल मेमोरी कार्ड्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद सब कुछ आपने शूट कर लिया, जब मैं अपना पूरा शूट करके आ जाता हूँ, सब कुछ ले आया, पहले मैं सब कुछ रखता था, सारी फाइल्स रखता था, बहुत सारा हो जाता था, एक एक ट्रिप मैं लेके जाता था तो करीबन 500 GB, कभी 700 GB भी टच कर जाता था पूरे ट्रिप का, हफ्ते भर के ट्रिप का डेटा। अब उतना कितना मैं स्टोर करूँगा, कहाँ तक रखूँगा, तो काफ़ी टाइम तक मैंने रखा, मेरे पास कुछ जो आपकी नेटवर्क वाली हार्ड डिस्क होते हैं जिनको NAS बोलते हैं, वो आपकी नेटवर्क पे लग जाती हैं और वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। सो वो अपने घर पे आप लगा सकते हो, उसका फ़ायदा ये है कि अगर आपने घर पे नेटवर्किंग कर रखी है तो आप अलग अलग जगहों से उसको एक्सेस कर सकते हो एक ही हार्ड डिस्क को, वरना नॉर्मल हार्ड डिस्क लगा लो एक्सटर्नल, तो मेरे पास एक नॉर्मल हार्ड डिस्क भी लगी हुई है, वो यहाँ से दिख नहीं रही होगी, जो 4 TB की है, और मेरे पास NAS है जो नेटवर्क वाली हार्ड डिस्क है। ये नेटवर्क वाली हार्ड डिस्क है, इसमें आप देख सकते हो वो इंटरनेट वाला जो तार है वो यहाँ लग जाता है, ये नेटवर्क वाली है, और ये मेरे पास है 2 4-4 TB की, तो काफ़ी कुछ भरा हुआ था। फिर मैंने क्या करा कि जब इतना डेटा हो गया तो अब क्या होता है ना कि इमोशनली अटैच्ड होते हो अपने फुटेज से, प्यार होता है, पर आपको पता है कि आप सालों तक उसे देखोगे नहीं बहुत सारी फुटेज को, तो फिर मैंने जो अपनी ड्रोन वाली फुटेज वो बस मैं रखने लगा, जो भी मैंने ड्रोन से शूट करा है उसको मैं रखने लगा। उसके बाद जो मैंने अपने मोबाइल से कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लिए हैं, बी रोल्स लिए हैं, या कुछ अपने पर्सनल रोल्स लिए हैं, वो वाली फुटेज रखता हूँ। एक्शन कैमरा की जिसकी सबसे ज़्यादा मेरी फुटेज होती थी, उस एक्शन कैमराज में मैं कहीं चाहे इंपॉर्टेंट जगह गया हुआ हूँ या कुछ खतरनाक एडवेंचर हो रहा है या कुछ हो रहा है, बस उस पार्ट के या उस दिन के पार्ट के वीडियोज़ रखता हूँ, बाकी सब मैं डिलीट करना मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता था और पुराना कभी मैं देखता भी नहीं था। कभी कभी मन होता है अपना पुराना देखने का तो यूट्यूब पे जाके अपने व्लॉग्स देख लेता हूँ, तो सब हो जाता है। ये वो चीज़ है जो आपको, मेरे को लगता है कि धीरे धीरे जब आप इस दुनिया में आओगे जहाँ बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर रहे हो शूट कर करके, तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। कुछ लोग तो बिल्कुल ही डिलीट कर देते हैं, बिल्कुल ही लिमिटेड चीज़ें रखते हैं, अब ये पर्सन टू पर्सन है, ठीक है। सो ये टोटल एक इन्वायरमेंट था जो मैंने आपको बताया कि मैं हार्ड डिस्क जैसे भी लेके जाता हूँ, लैपटॉप घर पे कैसे स्टोर करता हूँ, क्या रखता हूँ, क्या डिलीट करता हूँ, कैसे आप मेमोरी कार्ड्स की भी एक लिमिट होती है तो आप अपने साथ हार्ड डिस्क लेके जा सकते हो, यू नो, तो ये सब चीज़ें मैं करता हूँ, बड़ी नॉर्मल है। आपको ये वीडियो देख के लगा होगा कि बड़ी नॉर्मल चीज़ें, बट दैट्स इट। कभी कभी लोग सोचते हैं कि बहुत कुछ है पर एक्चुअल में उतना होता नहीं, सो माइट बी फॉर सम दिस वीडियो इज़ लाइक दैट, पर आई एम हैप्पी कि मैंने आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करी, एंड लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिएगा, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, एंड लव यू ऑल, बाय बाय।